हैवलॉक जेटी पे मौजूद इस रेस्टोरेंट में बढ़िया इटालियन खाना और आइसक्रीम खाने के बाद अब चलते हैं सीवॉक के लिए। आज दिन की शुरुआत हमने की स्कूबा डाइविंग के साथ, जिसके वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। इस रेस्टोरेंट के ठीक सामने है कई बोट ऑपरेटर्स, जिनसे आप एलिफेंट बीच जाने के लिए बोट बुक कर सकते हैं। यहां से आप सी वॉक की बुकिंग भी कर सकते हैं, जिसके लिए सिर्फ एक ही ऑपरेटर है और चार्जेस हैं 3,500 रुपीस पर हेड। एलिफेंट बीच दोपहर 2 बजे बंद हो जाता है, तो यहां से 10-10:30 बजे बोट लेना सही टाइम रहेगा। साथ ही साथ यहां पे हर बोट ऑपरेटर सिर्फ 3 घंटे का आपको टोटल टाइम देता है। टिकट्स लेने के बाद बोट्स का मुझे ऑलमोस्ट 45 मिनट इंतज़ार करना पड़ा, जिसमें मैंने यहाँ के इस छोटे से मार्केट को देखा। ज़्यादा कुछ नहीं, पर बीची कपड़े यहाँ से ज़रूर खरीद सकते हैं। एक छोटी सी हट बनी हुई है जहाँ पे एलिफेंट बीच जाने के लिए बोट्स के लिए आप टिकट्स परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ प्राइसेस लिखे हैं कि अगर आप 5 इयर्स एंड अबव हैं तो 950 रुपये पर हेड बोट का चार्ज है। इंतज़ार करने के बाद फाइनली अब हम चल दिए हैं एलिफेंट बीच की तरफ। पानी बहुत सुंदर है यार, यहाँ पे बिल्कुल गहरा नीला पानी है और इट इज़ सच ब्यूटीफुल वाटर। चारों तरफ इतना सुंदर एनवायरनमेंट है और साथ ही साथ इट्स जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। पंद्रह से 20 मिनट की बोट राइड के बाद अब हम आ गए हैं एलिफेंट बीच पे। फर्स्ट व्यू में काफ़ी सुंदर बीच है ये, और यहाँ आने के लिए 2 रास्ते हैं। या तो आप मेरी तरह जैसे हमने अभी बोट राइड ली वो ले सकते हैं, या फिर आप ट्रैक करके भी यहाँ पे आ सकते हैं। ट्रैक का रास्ता जब हम राधानगर बीच जाते हैं तो उसके रास्ते के बीच में से जाता है, सो वहाँ से आप ट्रैक करके, आई थिंक इट इज़ अबाउट 1.5 घंटे के आसपास का ट्रैक है जो आप करके यहाँ पहुँच सकते हैं। तो इस बीच पे आप देख रहे हैं काफ़ी सारे प्रोवाइडर्स हैं जो वाटर स्पोर्ट्स कराते हैं। यार यहाँ फ्रूट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, अगर आपको कभी भी भूख लगे तो आप यहाँ से फ्रूट्स लेकर के खा सकते हैं। वेरी फ्रेश और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स मिल जाते हैं, एंड अमूल देव गॉट सप्लाई जस्ट अबाउट एवरीवेयर। एक और मेजर बात इस बीच की कि कुछ एरिया रिस्ट्रिक्टेड है जिसमें आप जा सकते हैं, सो सिर्फ उसी एरिया में आपको आना जाना अलाउ किया जाता है, बाकी जगहों पर आप नहीं आ जा सकते। तो वहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है, जैसे सामने की तरफ देख पाएंगे आप एक रेड फ्लैग लगा हुआ है, तो इस रेड फ्लैग के आगे की तरफ आप नहीं जा सकते। और पूरे बीच पे कई जगहों पर आपको ऐसे टूटे हुए पेड़ों के टुकड़े मिलेंगे, सो ये जब यहाँ पे सुनामी आई थी उस टाइम पे कुछ पेड़ वगैरह गिर गए थे जो अब भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, सो किसी ने हटाया नहीं है। सी वॉक के लिए अब आ चुके हैं, ये वो डेक है जहाँ से पानी के अंदर सी वॉक के लिए ये लोग नीचे भेजते हैं। और ये जो बड़े बड़े हेलमेट जैसी चीज़ें दिख रही हैं, ये तकरीबन 30 किलो का एक हेलमेट है जिसके थ्रू आपको परमानेंटली ऑक्सीजन मिलती रहती है जब आप पानी में जाते हैं। जो पाइप्स सामने हैं इसके थ्रू ऑक्सीजन का फ्लो इन हेलमेट्स के अंदर रहता है। ऑल्दो ये हेलमेट नीचे से कहीं से कवर नहीं होता, पर क्योंकि ऑक्सीजन फ्लो या एयर फ्लो तेज़ी से रहता है तो इट सॉर्ट ऑफ क्रिएट्स अ बबल, तो आपका सिर कभी भी गीला नहीं होता पानी के अंदर। आप हमेशा जब पानी के अंदर जाते हो तो आपको ऑक्सीजन अभी मिलती रहती है। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, फिजिक्स के सिंपल से लॉ को इन्होंने यूज़ किया, एंड इट इज़ अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट।
हम यहाँ आ गए हैं। अभी आने के बाद थोड़ी सी घबराहट लग रही है, पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। मेरे सामने कुछ लोग हैं, बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं पानी के अंदर जाने की, थोड़ा सा अंदर जाते हैं एंड देन दे कम बैक। तो उन्हें देख के और थोड़ा लग रहा है कि पता नहीं हम कैसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पानी की बात करें तो पानी बहुत साफ है यहाँ पे, मतलब जैसा आप देख भी पा रहे होंगे, इट्स रियली ब्लू, बहुत ही टर्कोइज पानी है। और थोड़ा सा अगर मैं पास में लेकर के जाऊंगा कैमरे को तो आप देख पाएंगे छोटी छोटी फिशेस भी हैं जो आपको यहीं ऊपर से दिखाई दे रही है। तो ये जो येलो कलर का एरिया इन्होंने बना रखा है या बाउंड्री कर रखी है, सो इस पूरी बाउंड्री के साथ साथ इन्होंने नेट डाल रखा है ताकि कोई बड़ी फिश ना आ पाए और छोटी छोटी फिशेस को जाकर के आप नीचे जाकर के देख सकते हैं। स्टेयर्स से नीचे उतरते ही चारों तरफ सर्कमफेरेंस पे आपको दिख जाता है नेट, जिसके अंदर दिखती हैं बेहद सुंदर एक्वाटिक लाइफ। यहाँ पे एक मेजर अट्रैक्शन है यहाँ की क्लाउन फिश या नीमो फिश, जो आपको ऑलमोस्ट हर अंडर वाटर एक्सपीरियंस में ज़रूर दिखाई जाएगी। अगर आपने स्कूबा डाइविंग किया है तो ये एक्सपीरियंस शायद आपको थोड़ा डुप्लीकेट लगे और उतना मज़ा ना दे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास उतना उस लेवल ऑफ कंट्रोल नहीं होता और उतनी डेप्थ तक और उतने टाइम के लिए आप व्यू नहीं कर पाते। पर अगर आप स्कूबा नहीं कर रहे तो ये एक्सपीरियंस डेफिनेटली एक वर्थ इट एक्सपीरियंस है और ज़रूर करना चाहिए। सामने वो एरिया जहाँ पे अभी अभी हमने सी वॉक किया, ओवरऑल ठीक ठाक एक्सपीरियंस था। पर अगर सच बोलूँ कि यार अगर आपने स्कूबा कर रखा है तो ये एक्सपीरियंस उतना मज़ेदार नहीं लगेगा। एलिफेंट बीच पे चहलकदमी और सी वॉक करने के बाद अब वक्त है वापस जाने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को और लाइक करें एंड कीप वॉचिंग for my new videos.